मैडम हीरा ग्रुप कंपनी में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? और प्रॉब्लम्स तो नॉर्मल छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, और हिंदुस्तान में कुछ जीएसटी के रूल्स चेंज होने की वजह से, कुछ बैंकिंग के ट्रांसफ़र में लिमिट्स में चेंजेस आने की वजह से, और काफ़ी चीज़ों की वजह से थोड़े बहुत जो है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हुए हैं, और जो क्रिएट किए जा रहे हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जो रियल प्रॉब्लम है वो छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं, वो वक्तिया तौर पर हैं, वो प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, ऐसा कुछ बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। मैडम जैसा कि कंपनी द्वारा मेंबर्स को कहा गया था कि बेनिफिट अगस्त सितंबर तक मेंबर्स को मिल जाएंगे, इस पर क्या अपडेट है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 महीने पहले जो है कस्टमर को एक मैसेज दिया था कि जो मंथली जो डिक्लेरेशन था अब वो 3 मंथ्स में एक बार हमारा ट्रेडिंग डिक्लेरेशन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स जो है हमारा ट्रेडिंग डिक्लेरेशन भी हुआ, और अल्लाह का फजल है सारे लोगों को जो है उनके ट्रांसफ़र जा रहे हैं, ट्रांसफ़र लिमिट के जितनी हैसियत ये है उतना इससे जा रहे हैं, मगर बहुत जल्द सबको भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर आपके व कंपनी के खिलाफ जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इन सब के पीछे क्या मकसद है? क्या आप इन सब के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ बताना चाह रही हैं? सोशल मीडिया पर जितने भी जो चीज़ें आ रही हैं, जाहिर से बात है कि सोशल मीडिया पर कोई रोक नहीं है, जो चाहे जो लोग जो कुछ भी चाहे कर लेंगे, मगर ख़ास कर से आप सब जानते भी हैं और देखते भी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी फिक्र नहीं है, जो MIM के लीडर्स को बहुत बड़ी फिक्र है हीरा ग्रुप की, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे कोर्ट में दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमे जो रजिस्टर हुए हैं उसके वो एविडेंस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, कोर्ट को एविडेंस बताने के लिए कोर्ट को एविडेंस जमा करने की कोशिश की जा रही है, मगर वो कोशिश में और फंसते ही जाएंगे, क्योंकि कोर्ट को पता है कि केस कब का है, केस किस वक्त में किया गया है, एविडेंस कब जमा कर रहे हैं, तो इसीलिए सीधी सी बात है लोग सब इस बात को समझ रहे हैं। मैडम कोर्ट में आपने MIM लीडर शहबाज खान के खिलाफ डेफामेशन सूट दायर किया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा बंदिश लगाए जाने के बावजूद भी वह बाज नहीं आ रहा, उस पर आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए कोर्ट में मैंने केस किया था और उसके ऊपर मानहानि का केस मैंने डाला था, और डालने के बाद में जो है कि कोर्ट ने इंटरीम आर्डर दिया कि वो हमारे खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते। उसके बाद आप कोर्ट ने उस आर्डर को जब तक के केस चलता रहेगा वो कुछ नहीं कहेंगे, इस तरह का कोर्ट का आर्डर हो गया है, मगर इस बात के लिए मेरा एक ही जवाब है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इंडिया में क्या है उन सबको भी पता है, हर मुजरिम बच सकता है, मगर जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इंडिया का कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर्स क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि इंडिया के कानून से बड़ा आगे वो कुछ भी नहीं है, मगर कानून उसको बहुत जल्द सबक सिखाएगा। जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं वो एक दिन सलाखों के पीछे ज़रूर रहेंगे, वो सबको नज़र आएगा। जैसा कि सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज वायरल करके मेंबर्स को हीरा ग्रुप के सेंट्रल ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है और इस पर मेंबर्स का क्या रिएक्शन है? मेंबर का रिएक्शन तो जो है वो होगा, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा हिम्मत वाले होते हैं, कुछ लोग थोड़ा डरने वाले होते हैं, मगर किसका हाथ क्या है ये तो सीधी से बात है कि MIM के लीडर का हाथ है, और MIM का हाथ है जो पीछे से ये सब कुछ जो है चाल चल कर करवा रहे हैं, और ब्लैकमेलरों का हाथ है जिसके अंदर डिमांडिंग ब्लैकमेलिंग सब कुछ भी है, तो बस उन्हीं का हाथ है और कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों सरकारी डिपार्टमेंट जिसमें ED IT के अधिकारी जांच के लिए हीरा ग्रुप के ऑफिस आए और उसमें जांच भी उन्होंने की, तो इस पर क्या बात निकलकर सामने आई? जो भी सरकारी अधिकारी हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूं, और जो भी डिपार्टमेंट आते हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं उसको फेस करती हूं, और जो भी उनके रिक्वायरमेंट होते हैं वो मैं प्रोवाइड करती हूं। सरकारी अधिकारी आना और इन्वेस्टिगेशन करना कुछ पूछना ये उनकी ज़िम्मेदारी है, आज तक हमारे खिलाफ कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं है ना होगी इंशाल्लाह। मैडम जैसा कि एक आप महिला होते हुए भी इतने बड़े बिजनेस को संभाल रही हैं और देश विदेश में अपना बिजनेस को फैला रही हैं, इसमें क्या क्या दुश्वारियां सामने आती हैं? दुश्वारियां क्या है बहुत सारी आती हैं, इसमें ब्लैकमेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
और मैं एक औरत हूँ करके मुझे डैमेज करने के लिए औरत क्या कर लेगी, इस तरह की सोच होती है सबके अंदर। वैसे भी लोग काफ़ी सताते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं दुश्वारियाँ, मगर दुश्वारियों को फेस करके करना ही एक काम होता है। और मैं इसी तरह से अल्लाह पे पूरा भरोसा रख के दुश्वारियों को फेस करती हुई काम करती हूँ और मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मुझे किसी को नीचे गिराने के लिए काम नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए और अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए काम करना है, बस मैं काम करती हूँ। ऐसे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि हीरा ग्रुप व डॉक्टर नोहरा शेख हजारों मेंबर्स के पैसे लेकर भाग गई हैं, इस पर बार बार आपको मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ती है, आज आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि अब जो लोग मुझे हमेशा भागने का सोच रहे हैं वो तो 10 साल 20 साल से बोल ही रहे हैं कि भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी। मैं तो कभी अपना वतन, अपना प्यारा वतन, अपना हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं भागूंगी। जो भी मसले मसाइल आएंगे मैं यहाँ पे ही रहकर हल करूँगी, यहाँ पे ही रहकर उस प्रॉब्लम को, जो भी मसला आएगा मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। ये सब झूठी अफवाहें हैं, वो सिर्फ एक लीडर बोलता फिरता है भाग जाएगी, और कोई इंडिया में मुझे नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं। आखिर में अपने मेंबर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? बस मैं ही मेरे मेंबर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो कंपनी में सालों से आए थे और सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, सालों से उनके घर के मसाइल, उनके रोज़ी के मसाइल पूरे के पूरे अल्लाह के फजलो करम से हल होते चले जाते थे, जो मेंबर कंपनी के पॉलिसी के साथ हैं कंपनी भी उनके साथ है, अब जो मेंबर्स कुछ रेवड़ी सीटरों के साथ कुछ इसके साथ वो जाकर कंप्लेंट बहकाने में आके कंप्लेंट करने में जो जा रहे हैं, कंप्लेंट करने को हम मना नहीं करते क्योंकि हर किसी का अधिकार है कि जब उनको तकलीफ़ हो तो वो कंप्लेंट करे, मगर अब कंपनी की लीगल टीम ने ये डिसीशन ले लिया है कि जो भी इस तरह के फेक कंप्लेंट्स कराते हैं वगैरह सब, उनको हम कोर्ट में प्रूफ करा के पेमेंट करेंगे। कोर्ट में पहले प्रूफ कराएंगे, कोर्ट में केस चलेगा और केस चलने के बाद पेमेंट होगा, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे। क्यों? कि हमको भी बताना है कि हमने इनको कितना कमा के दिए हैं, हमने इनको कितना कमा के बैंक के ज़रिए से इनको जो ट्रांसफ़र किए हैं, ये हमको बताना है कोर्ट में कि हम कोई धोखेबाज नहीं है, ना हम कोई चीटिंग किए हैं, ना हमने किसी के साथ धोखा किया है, हमने उनको उल्टा पैसे कमा के दिए हैं और हमने एक को दो उतना कमा के दिए हैं, तो फिर हम कैसे चीटर हुए? वो हम कोर्ट को बता के उनके पैसे कोर्ट में ही वापस किए जाएंगे। बस मैं सारे मेंबर्स को यही ये करूँगी कि आसानी के साथ पीस के साथ सब लोग भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह सबको पॉलिसी के हिसाब से उनके जो पेमेंट्स हैं उनके सारी चीज़ें हैं उनको मिलते रहेंगे। नहीं इन उनके लोगों के बहकावे में आकर, बार बार आकर बहकावे में आकर हमको परेशान करने के लिए जो कोशिश करते हैं, अब हमारी लीगल टीम का यह फैसला है कि कितने भी लोग हो कोई बात नहीं है, अब उनका पेमेंट उनका पैसा जो है कोर्ट में ही उनको मिलेगा। एच न्यूज़ में अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।